ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जिस तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वो कहां पर है, इसको लेकर अखिलेश आनंद मेरे सहयोगी ने एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है, आप भी देखिए। मैं इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हूं, वो ज्ञानवापी जिसे लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। मेरी दाहिनी तरफ आप देखें काशी विश्वनाथ मंदिर है, और अब मैं आपको इस तरफ बाईं तरफ लिए चलता हूं, जिस जगह को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है उसे देखिए और समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर तालाब है, जिस तालाब से शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दावे हैं। उनका यह कहना है कि लगभग एक दशक पहले यहां जो फाउंटेन हुआ करता था वो खराब हो गया, पाइप को तो हटा दिया गया लेकिन वो पत्थर वहीं पर था, उसी बेस को, उसी पत्थर वाले बेस को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, ऐसा कहना है मुस्लिम पक्ष का। ये पूरा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अदालत के आदेश पर सर्वे के आदेश दिए गए और सर्वे के मुताबिक जो बातें सामने आई हैं वो हिंदू पक्ष सामने रख रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन इस जगह की सुरक्षा के लिए फिलहाल सीआरपीएफ के 2 जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। कोर्ट में यह मसला चला गया है, सारे सबूत वहां पर रखे जा रहे हैं, अदालत से क्या फैसला आता है यह देखना अहम होगा। इस वक्त जहां मैं चहलकदमी कर रहा हूं, मेरी दाहिनी तरफ आप देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर है, और बाईं तरफ यह ज्ञानवापी मस्जिद की वो दीवार जहां पर गौरी श्रृंगार मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ताजा विवाद की जो शुरुआत है वो कहां से हुई समझिए जरा। इसकी शुरुआत के केंद्र में श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर है। श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। पिछले साल 18 अगस्त को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि पहले नियमित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत थी, लेकिन बाद में इसे साल में सिर्फ 1 दिन तक सीमित कर दिया गया, यानी फिलहाल सिर्फ चैत्र नवरात्र के 4th दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है। तो इसी फैसले के खिलाफ महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर की, उन्होंने मांग की कि उन्हें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का अधिकार मिले। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे के सर्वे का आदेश दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।